जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जनता को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। घाटी में सभी लोकल प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर लगी रोक को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद सभी लोकल प्रीपेड सिम कार्ड्स पर कॉल और एसएमएस सुविधा बहाल की जाएगी। इसके साथ ही समीक्षा करने के बाद जम्मू और कश्मीर के 10 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट पोस्टपेड सेवा भी बहाल होगी। ये जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने दी। इसके साथ ही कंसल ने कहा कि बड़गांव, गांदरबल, बारामुल्ला, श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग, सोपिया और पुलवामा में अभी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। प्रशासन के इस फैसले से नागरिकों ने राहत महसूस की है। बता दें, जम्मू कश्मीर के करीब 80% सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। हालांकि इसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में ये सेवा दफ्तरों से जुड़े कामकाज की सहूलियत के मद्देनजर शुरू की गई। इंटरनेट पर पाबंदी से मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन और नेताओं की हिरासत वाली याचिका पर सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है, ये बोलने की आजादी का जरिया भी है। इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी पाबंदियों पर एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करे और फिलहाल जहां जरूरत हो वहां इंटरनेट मुहैया कराए। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।